नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इन दिनों जुआ सट्टा पर नकेल कसी जा रही है। वहीं आज खनियादाना में पुलिस ने पुराने आदिवासी बस्ती क्षेत्र में चल रहे अवैध सट्टे के कारोबारी शरीफ खान उर्फ खुजली बाबा भगवत यादव को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से सट्टे की पर्चियाँ व नकदी रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को आरोपी बनाया है। इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को आरोपी बनाया है। ये वह आरोपी जो लंबे समय से सट्टे के कारोबार से जुड़े हैं और लंबे समय से खनियादाना में सट्टे का व्यापार चला रहे थे। फिलहाल एक आरोपी पुलिस के छापे के बाद फरार हो गया है। पुलिस जिसकी तलाश में लगी है। खनियादाना पुलिस का कहना है कि पुलिस को कई दिनों से सट्टा खिलाने की जानकारी मिल रही थी, जिस पर खनियादाना थाना प्रभारी उपेंद्र शर्मा और उनकी टीम लगातार नजर बनाए हुए थी। सूचना के बाद खनियादाना पुलिस ने पूरी प्लानिंग की और छापा मारा, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक मुख्य आरोपी फरार हो गया है। अरे चलो मैं आ रहा हूँ भाई साहब, समझ पाए मैं आ रहा हूँ। काफी दिनों से जनता और मीडिया द्वारा जानकारी मिल रही थी कि कस्बे में साहब अवैधानिक रूप से लोग बाहर के आकर सट्टा संचालित कर रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी और उनकी आदि हो रही है। इसके संबंध में आज मीडिया के द्वारा और मुखिया के द्वारा जानकारी मिली कि दो लोग व्यक्ति बस स्टैंड की तरफ सट्टा संचालित कर रहे हैं, जिस पर दबिश के द्वारा पुलिस के सदस्य उनको पकड़ा गया और सट्टे की कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोग पकड़े गए हैं? इसमें दो लोग हैं, एक खुजली और शरीफ खान है, एक भगवत यादव है जो मायापुर के निवासी है। बरामदी की गई है कुछ चीज़ें जी, उसकी चल रही है अभी, पुलिस की है जब्ती वगैरह कर रहे हैं अभी। इसमें सर बताया जा रहा है कि एक और कोई साथी था वो भाग गया है, ऐसी अभी तो कोई नहीं। दो लोग मौके से पकड़े गए, तीसरा तो कोई नहीं। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। राष्ट्र आजकल परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।